तो भाई मेरी पिछली वीडियो देख के जिनको भी लगा कि इंजन बेकार है, इंजन में खर्चा ज़्यादा आ गया या फिर ये है वो है, तो देखो भाई कुछ नहीं है अगर से। चलो भाई फायर करते हैं इसको, 1 2 3। क्या बात है, सिर्फ यूं करके बस हटाना है और बाइक तुम्हारी स्टार्ट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मी योर ब्रदर दानिश। तो आई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। वीडियो कर दो लाइक यू तुम्हारा भाई तुम्हारे। आज के भी डाउट क्लियर करते हैं, पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया आपने वीडियो में दिखाया कि आपकी आवाज़ जो है मतलब सर्विस और बाइक की आवाज़ जो है वो ठीक हो चुकी है, तो क्या 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर या फिर हीट होने के बाद दोबारा आवाज़ कर रही है कि नहीं कर रही, ये आप चेक करो। तो ऐसे कई सारे कमेंट्स आए इसी से रिलेटेड, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना आज मोटो व्लॉग करा जाए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि एक प्रॉपर मोटो व्लॉग करूँगा अपनी खुशी को लेकर कि भाई 15-20 किलोमीटर या फिर हीट होने के बाद इंजन के आवाज़ की चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो किस चीज़ की आवाज़ आ रही है किस चीज़ की नहीं आ रही, वो सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो गाइस बिल्कुल भी स्किप मत करना, पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मतलब कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस पर और भाई मेरे को भी अच्छा लगता है, ऐसा ही आप प्यार देते रहो तो मेरे को और मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। और भाई कल की वीडियो को भी काफ़ी सराहना दिया, मतलब कि आपने काफ़ी प्यार दिया उसको भी थैंक यू सो मच, क्योंकि भाई आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मेरा मन करेगा, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे वीडियो को नहीं देखोगे तो भाई कहीं ना कहीं मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा और वीडियो बनाने का मेरा भी मन नहीं करेगा। तो पहले रेड लाइट हो रखी है लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, 4 सेकंड का मिलता है इसमें रिस्क होता है, तो इसलिए हम यहीं रुकेंगे आराम से। अच्छा सर्विस कराने के बाद ना गाइस क्या ही बताऊं कि मतलब बाइक जो है ना एकदम मक्खन चल रही है अभी फ़िलहाल, तो जब से मैं लेके आया हूँ और मैंने मोटो व्लॉग करने से पहले भी मतलब थोड़ा घरेलू काम में यूज़ किया इस बाइक को, तो काफ़ी अच्छी चल रही है। आवाज़ देख सकते हैं आप बिल्कुल साइलेंट है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बाइक साइलेंट चल रही है इस टाइम पे, बिल्कुल आवाज़ मुझे थक सुनाई नहीं दे रही है, सोचो कितनी बढ़िया होगी। बाकी ब्रेकिंग वगैरह क्लच वगैरह सब एकदम ओके है। सो भाई बाइक जो है अपनी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, मतलब कि ये लगा लो अभी बाइक के 4,800 किलोमीटर ही डन हुए हैं और अभी ऐसी चल रही है जैसे पहली सर्विस करा के मैं लेके आया हूँ, तो बाइक परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बढ़िया चल रही है। ब्रेकर आ रहा है, यो क्या बात है, ब्रेकर जब आ रहा हो ना स्पीड ज़्यादा हो तो आप खड़े हो जाओ और अपने हिप यानी कि समझ रहे हो ना पीछे बम्बास्टिक को थोड़ा पीछे की तरफ कर दो तो आपकी गाड़ी तो स्मूथली निकल जाती है। क्या बात है यार, छोटी छोटी टिप्स होती है जो तुम्हारा भाई खुद चलाता है खुद फील करता है वही आपको बताता हूँ। और बाकी एक्सीलेटर देने पे ही महसूस कर रहा है इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो महसूस करा रहा है हमारे को, ठीक है ना। और बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अभी आगे चलते हैं और बताता हूँ आपको मैं। तो गाइस ये लगा लो आप 60 की स्पीड में बाइक चला रहा हूँ और ये लगा लो बिल्कुल भी मुझे वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही है, इवन जो इंजन की आवाज़ जैसे होता ना कि पू मतलब फील कराता है कि हाँ वो इंजन पे एक जोर दिया जा रहा है कि जोर पड़ रहा है, तो वैसा कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा, एकदम स्मूथली हमारी बाइक जो है आगे बढ़ती चली जा रही है, एकदम जहर मक्खन बोलूँगा। और देख सकते हैं रिस्पॉन्स क्या बात है, देखो कांटा देख रहे हो कैसे ऊपर जा रहा है, क्या बात है यार, ये देखो और ब्रेकिंग इसकी इंटीग्रेट काफ़ी अच्छी है। बाकी बहुत सारे भाई बहुत ही सारे मतलब कमेंट आए कि भाई प्लीज़ यार अपनी बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करो प्लीज़, मतलब कि मेरा बोलना जो है ना ऐसा गजब ढा गया कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। सारे कमेंट एक तरफ थे और डिस्क ब्रेक के लिए कमेंट एक तरफ थे कि भाई हाँ भाई डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करो, हमें भी देखना है हमें भी करना है हमें भी देखना है हमें भी करना है, ऐसे कमेंट बहुत सारे थे, तो भाई उसके लिए भी थैंक यू सो मच। यही बस होता है ना कि आप लोगों का रिस्पॉन्स मिले ना तो मज़ा सा आ जाता है, ठीक है ना, पैसे मैं खर्च करूँगा लगेगा इसके अंदर लेकिन आपके कमेंट करने से ना दिल खुश हो जाता है, तो ऐसी बस कमेंट करते रहिया करो यार मज़ा आ जाता है, और कुछ कमी रह जाया करे वो बता भी दिया करो, वो मुझे अच्छा लगता है, बुरा नहीं मानता मैं, अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई बंदा मुझे कुछ बता रहा है, क्योंकि एक दूसरे से सब सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप मुझसे सीखते हो कुछ चीज़ें आपके कमेंट से मेरे को नॉलेज मिलती है या हिंट मिलता है कि हाँ भाई ये काम ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी कमेंट का जो सिलसिला है ना वो बरकरार रखना अपने को, ठीक है ना। ये देखो साइकिल वाला भाई रॉन्ग साइड आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्या बात है यार। और बहुत सारे भाई ना कमेंट करते हैं कि भैया आपकी राइडिंग क्वालिटी मतलब आपकी राइडिंग जो स्टाइल है करने का मज़ा आता है देखकर, आप बहुत अच्छी राइड करते हो, तो भाई देखो थैंक यू सो मच उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैं तुर्रम खाऊं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अपने लेवल पे मैं बेस्ट बाइक चला लेता हूँ,
ठीक है, मतलब ठीक ठीक चला लेता हूँ बट तुम मेरे को देख के गाड़ी मत चलाना भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं कि आप जैसे बंदों के वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई देखो, मैं किसी को नहीं बोलता कि मेरे ऐसी बाइक चलाओ, सबका अपना अपना कंट्रोल होता है, सबका अपना तरीका होता है ना। तो मेरा तरीका अलग है, मेरा तरीका जो है वो है, देख रहे हो 80 चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मक्खन, हैंडल भी सीधे चल रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई लपापन नहीं मार रही, ठीक है ना। और ब्रेकिंग की बात करूँ, देखो पीछे की ब्रेक दबा रहा हूँ, और भाई की ये गाड़ी वाला गलत मरवाएगा भाई। अभी आगे दिखाऊंगा आपको मैं सीन क्या कहने वाला था, मैं सीन ये कहने वाला था कि अगर मैं ब्रेक पीछे की दबा रहा हूँ तो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, अगर मैं पीछे की ब्रेक दबाऊंगा तो मेरी आगे की ब्रेक भी काम करेगी। जैसे कि हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, देखो देख रहे हो, तो उससे क्या होता है ब्रेकिंग जिसकी और अच्छी हो जाती है, प्लस कंट्रोल में रहती है गाड़ी, ठीक है ना। बाकी ब्रेकिंग, इंजन ब्रेकिंग और फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक, इसके ऊपर अगर वीडियो कहते हो आप तो मैं पक्का बना दूंगा कि भाई इंजन ब्रेकिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और फ्रंट ब्रेकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, अगर ये आपको ट्रिक आती हो। मतलब जो मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, अगर आप कहते हो तो बनाऊंगा वीडियो, अदरवाइज सानू की। भाई मेरी पिछली वीडियो देख के जिनको भी लगा कि इंजन बेकार है, इंजन में खर्चा ज़्यादा आ गया या फिर ये है वो है, तो देखो भाई कुछ नहीं है। अगर सेम मेरी ऐसी आवाज़ आ रही है, मतलब कि 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद अगर आपकी इंजन की आवाज़ बढ़ रही है तो घबराओ मत, अगर वॉल क्लियरेंस भी बढ़ जाती है तो वो ठीक हो सकती है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। जैसे कि वीडियो में बताया था भाई ने कि कुछ नहीं होता, वो टैपेट वगैरह ढीले रहते हैं और वॉल जो होते हैं वो ढीले रहते हैं, वैसे आवाज़ आती है। तो भाई आप बिल्कुल मत घबराओ, छोटी मोटी चीज़ चलती है, नया इंजन है, थोड़ा सा भाई ढीला होगा फिर टाइट होगा तभी तो बात बनेगी, रमा होना किसको बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपनी बाइक जो है स्मूथ हो चुकी है और वही मैं आपको आगे चल के सुनाऊँगा आवाज़ जैसा भी है, और बिल्कुल भी घबराओ मत। हीरो का इंजन जैसा पहले था दमदार ऐसा ही है, बस थोड़ा सा हाँ ये है कि अगर बात करूँ BS6 और BS4 में तो थोड़ा सा BS4 में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती थी, थोड़ी चीज़ में कम मिलती है, बट ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, ये पहाड़ों पर उतनी ही अच्छी है। अगर नॉर्मल रोड पर अगर कंपेयर करते हो BS4 से तो थोड़ी सी उससे ऊपर नीचे है, 19-20 है, लेकिन अगर पहाड़ों में कंपेयर करोगे तो भाई साहब बड़ी बड़ी गाड़ियों टक्कर देती है अपनी खुशी। भाई अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इसका इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। जैसे सपोज मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, सपोज क्या यार, मैं बाइक चला रहा हूँ के सामने यार, सपोज क्या करना, तो रोड खाली है यहाँ पर बताने का इजीली मुझे मौका मिलेगा कुछ और समझना, ठीक है। ये देखो मैंने हाथ छोड़ दिया है, रोड खाली इस वजह से, ठीक है, मैं दोबारा पीछे की और आगे से रुकावट आ रही है, देख रहे हो ये तो ये है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के, मतलब कि देख रहे हो, मतलब दवा कौन सी काम कौन सी कर रही है, और डबल ब्रेक काम करती है, देखो क्या बात है यार। तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, लेकिन बस मैं ये बोलूँगा कि मैं अपने लिए ही सोच रहा हूँ कि मैं इसके अंदर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करूँ एज अ टूरर लुक, और थोड़ा सा ब्रेकिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ये देख रहे हो ब्रेक, ये देखो उससे और थोड़ी सी इन्हेंस हो जाएगी, मतलब ये अगर 19 है ब्रेक तो उससे 21 या 22 हो जाएगी ब्रेक, समझ रहे हो ना, मतलब 19-20 का अंतर जो होता है ना वैसा कुछ रहने वाला है। और हमारा जो IBS और जो I3S है वो भी प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब खड़ी करते कुछ सेकंड में बंद हो जाती है, काफ़ी अच्छा सनसेट होने को हो रहा है, देख सकते हैं आप क्या बात है भाई, और खाली रोड पर अपनी खुशी बढ़िया परफॉर्म करती हुई। आज जो है ना चलाने का इतना मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि मुझे खींच के चला रहा हूँ, एक तो जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहूँ फटाफट से हीटिंग इसकी बढ़े और हीट होने के बाद फिर मैं इसकी इंजन की आवाज़ सुनूँ और सुनाऊँ कि भाई वाकई में इसकी इंजन की आवाज़ कम हुई है, मतलब जो टैपिट की आवाज़ थी वो कम हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। क्या बात है यार, देख रहे हो 80 एक एक सेकंड में, मतलब कि कुछ कुछ सेकंड के अंदर ऐसे भागती गाड़ी उड़ती हो जाती है, ये टुलटुली शेव ओह कितनी लटा रखी भाई, कितनी लटा रखी है क्या बात है यार, क्या बात है, सारे बंदे देख रहे हैं इसको, अरे भाई एकदम से क्यों निकल आते हो तुम, ये देख रहे हो सही है ये भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड मीन्स कॉर्पोरेट बिल्डिंग जो होती है ऑफिस वगैरह उसकी बस होती है ऑफिस की। तो मैं आ चुका हूँ, बताओ भाई कितने बंदों को पता है कि मैं कौन से एरिया में घूम रहा हूँ इस टाइम पे, कितने बंदों को पता है, कमेंट सेक्शन खुला है फटाफट से बताओ। और यहाँ पे जावा का शोरूम है, उसको लैंड क्रूजर खड़ी गए डीपर मार रहा जो अंदर, टोयोटा की लैंड क्रूजर, क्या बात है भाई, कार नहीं जहाज है यार, जहाज कितनी बड़ी है यार, मतलब छोटी मोटी गलियों में गली ना फंसी जाएगी,
हाँ लैंड क्रूजर है भाई साहब, अल्टीमेट बाइक, अल्टीमेट कार। हम तो बाइक वाले हैं ना, मुझे बाइक निकलता है मुँह से। क्या बात है भाई, साइकिल ऑसम है। रॉयल एनफील्ड का शोरूम पसंद नहीं है मुझे, रॉयल एनफील्ड से बता रहा हूँ, वरना तुम्हारा भाई एक दिन जरूर आता यहाँ पे। खान चाचा है क्या, क्या बात है खुशी। दिल्ली पुलिस के जवान खड़े थे तैनात होके, कोई भी बंदा रेलेट तोड़ के आए और हम पकड़े। क्या बात है यार, वाकई में भाई नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है माशाल्लाह से, मतलब आफ्टर सर्विस, क्या बात है उधम। और हाँ भाइयों, हाँ आपको बता दूँ, याद आ गया मुझे, आने वाली 9 तारीख, आज है तारीख 6, क्या है 6 तारीख, आज आप वीडियो देख रहे हो, आज 6 तारीख, तो आने वाली 9 तारीख को तुम्हारा भाई रवानगी ले लेगा दिल्ली से बाहर के लिए। और कहाँ जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ जहाँ पे भी, मैं आपको 8 तारीख की वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा कि हाँ भाई मैं कल सुबह निकलने वाला हूँ वहाँ पे, तो अभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि देखो पता क्या होता है कि जिनके साथ मैं जा रहा हूँ वो जो भाई बंदे ना हमारे, उनका मूड कब पलट जाए कुछ नहीं पता, इसलिए मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि मैं कौन सी जगह जा रहा हूँ। पहले हम जा रहे थे, मैं आपको बता दूँ कि वहाँ आप जा नहीं रहे, तो इसलिए मैं उसका वो नाम डिस्क्लोज़ करता हूँ। पहले हम जा रहे थे ऋषिकेश, जहाँ पे आराम से 2 या 3 दिन स्पेंड करने वाले थे, फुल कैंपिंग वैम्पिंग घूमना फिरना फूल रहा था, लेकिन क्या है कि वहाँ की उत्तराखंड की सरकार जो है उन्होंने बोल दिया कि भाई बिना कोरोना पॉजिटिव, मतलब होता है नेगेटिव की रिपोर्ट लेके जाना है, ये है वो है, तो बहुत सारे हमारे जो भाई बंदे वो डिनाई कर रहे हैं चीज़ को कि भाई हम ना टेस्ट कराएंगे ना हम वहाँ जाएंगे, सीधी सी बात है, तो इसलिए वहाँ का हो गया प्लान कैंसिल, वरना हम ऋषिकेश जाने वाले थे। बट अब ऋषिकेश से थोड़ा दूर जाने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, 300-350 किलोमीटर की राइड होगी एक तरफ से, मतलब आना जाना 600-700 किलोमीटर, बट 600-700 किलोमीटर नहीं जा रहे, अब जा रहे हैं हम ज़्यादा दूर, ज़्यादा दूर मतलब कि समझ जाओ तुम, थोड़ा सा दूर जा रहे हैं पिछले जगह से, काफ़ी दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो बस अब आगे चलते हूँ, और आगे जाके जहाँ पे मैंने आपको पिछली बार आवाज़ चेक करी थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा शांति वांति होती है, शांति मतलब लड़की नहीं, मतलब थोड़ा सा पीसफुल। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ जाके आपको आवाज़ चेक करता हूँ कि इंजन विंजन में से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, और उसके बाद करेंगे वीडियो क्लोज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। तो भाई ये आ चुकी है पार्किंग, और ये हेलीपैड बना हुआ है हमारा, किसी ने यहाँ पे 360 मारा हुआ है, मत तभी यहाँ पे हेलीपैड का निशान बना गया है। तो भाई पहले करूँगा i3s बंद, देखो भाई इसे कहते हैं आवाज़, देख रहे हो इतना गर्म होने के बाद भी आवाज़ ज़ीरो, ठीक है उस तरफ चलते हैं। ये देखो जी एकदम जहर, ये क्या फंस गया भाई, अच्छा देख रहे हो आवाज़, तो इसे कहते हैं आवाज़। और इधर कट कट कट, तो ये कट कट की आवाज़ है, ये तो कोई बात नहीं, नॉर्मल गाड़ी नहीं, नॉर्मली होता है। बाकी अपनी खुशी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, प्रो वाले की दुआ से आप लोगों के गर्म से, और भाई थैंक यू हीरो कि उन्होंने अच्छा काम किया, उस भाई को भी थैंक यू है अगर वो वीडियो देख रहा है कि भाई उसने भी अच्छा काम किया, अच्छे टाइप सेट करें, पिकअप परफॉर्मेंस एकदम ओके और एकदम मज़ेदार मक्खन चल रही, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। और बाइक आपके सामने कैसी लग रही है अपनी खुशी, ये है साइड लुक, हाथ मेरे गुलाबी हो रहे हैं क्या बात है, ये है फ्रंट लुक, आप लोग कहते हो ना भाई पूरा लुक तो दिखा दिया करो बाइक का, और ये है हमारा बैक वाला लुक, ठीक है। दिल्ली DC VL दिख रहा है खाली, व्लॉग का मतलब LOGS वो गायब हो चुका है, क्योंकि हमारे गली के बच्चे जो हैं वो थोड़े से खुराफात है। बाकी टायर जो यूज़ करता हूँ मैं, ये करता हूँ JK टायर का ब्लास्टर, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया टायर है। बाकी तुम एक चीज़ चेक कराता हूँ, ये देख रहे हो बैग तुम्हारे भाई का, कल ही अभी 2 दिन पहले आया मेरे पास, ये देखो क्या बढ़िया बैग है, अमेज़ॉन से लिया था मैंने बैग, ये मात्र 500 रुपये का, देख सकते हैं कितना बढ़िया है, ठीक है। और एक बंदा कह रहा था अपनी डिग्गी के अंदर क्या रखते हो तो दिखा दो, वो भी दिखाया था उस वीडियो में, ताकि वो बंदा देखे तो उसे पता चल जाए। देखो भाई एक रखा है फॉर्म बाइक धोने के लिए, एक कपड़ा कौर कपड़ा, और ये टूल किट, और ये पानी का वो फुहारा जिससे मैं बाइक साफ करता हूँ, सब ओके ओके। तो ये सामान रखता हूँ फिलहाल, तो मैं इसमें जब मैं राइड पर जाता हूँ जब इसमें सामान बदल जाता है, ठीक है। तो भाई ये थी अपनी खुशी और खुशी की इंजन की आवाज़, अगर अच्छी लगी हो, सेटिस्फाइड हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नए हो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और
बस और तो बस क्या ही बोलूँ तुम्हारे को बस मैं यार। बाकी राइड की जो वीडियोस पसंद करते हैं लड़के, तो भाई बस वो थोड़े दिन और इंतजार करें, उसके बाद तुम्हारा भाई निकल जाएगा राइड पे और बढ़िया राइड होगी और आपको भी मज़ा आएगा। अपनी वीडियो के अंदर फुल सीरीज़ बनाने वाला हूँ, मतलब डे वन से लेकर डे लास्ट, मतलब दिल्ली से वहाँ तक, वहाँ से दिल्ली तक की वीडियो बनाऊँगा, पूरी सीरीज़ बनाऊँगा। जो सफ़रनामा स्टार्ट होने वाला है उसको अच्छा सा नाम भी देंगे, ठीक है ना। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।